हबीबी वेलकम टू लखनऊ। कितना जूसी और कितना एकदम सॉफ्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको खाना है गल्फ कंट्री का अरेबियन फूड, तो आज हम लोग आ चुके हैं अमीनाबाद के टुंडे वाली गली, और मेरे साथ में है अर्शद भी। और आज की स्पेशल डिश है मटन मंदी और चिकन मंदी। क्या होती है मंदी? ये अरेबियन डिश है, आइए हम आपको दिखाते हैं इस पूरे वीडियो में। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो आइए अमीनाबाद। जो मिडिल ईस्ट या गल्फ में रह चुके हैं, जो मंदी का फ्लेवर जानते हैं, ना कि प्लीज़ डोंट कंपेयर विद द बिरयानी। एक्चुअली दिस प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग फॉर द मंदी। इट विल टेक 2 to 3 hours टू रेडी। मटन का एक पीस उठाएंगे, आपको एकदम जैसे आप हलवा खाते हैं या उस तरह का आपको निवाला मुंह में लेंगे और मटन घुल जाएगा आपके मुंह में। ये होता है कॉन्सेप्ट मंदी का। तो मटन को पहले हल्का सा बॉयल किया जाता है 70% तक, 70%, ताकि उसमें की जो भी स्मेल अंदर की रहती है, ब्लड लोड हो, सब निकल जाए। उसके बाद हम लोग सिल्वर फॉइल में रैप करके सारे मसाले इंग्रेडिएंट लगा के तंदूर में डालते हैं। तंदूर में वो जब 100% कुक हो जाता है, उसको निकाल के हम शैलो फ्राई करते हैं विद ऑलिव ऑयल के साथ। ऑलिव ऑयल देसी घी। ये तंदूर से निकल के आ चुके हैं, ये ऑलिव ऑयल में फ्राई हो रहे हैं। मंदी की थीम ही होती है ऑलिव ऑयल देसी घी। अच्छा, चावल भी जो बनता है वो मटन के स्टॉक में बनता है। अच्छा, मटन का स्टॉक निकालना पड़ता है। ये देखिए, हमारा मटन का स्टॉक निकला हुआ है यहाँ पे, ये निकल रहा है, इसी में चावल बनता है। अच्छा जी, ये 1-2 घंटा पकेगा इसमें, इसके बाद पानी जो निकलेगा इसी में चावल बनाएगा। मंदी के सिर्फ ऑलिव ऑयल में ही बनता है ये, आप देखिए। ऑलिव ऑयल खाने के लिए बहुत अच्छा होता है भाई, आप इसको पी भी सकते हैं, ये आपको नुकसान दे कहीं से नहीं करेगा। ये 1800 रुपये किलो का ऑलिव ऑयल है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, ओरिजिनल 1800 रुपीज़ के जी आता है ये। अच्छा, प्योर उसी में बनता है, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आता है। ये मटन मंदी बन रही है, और ये मटन ये तंदूर से निकल के ये फ्राई होता है, एकदम गला हुआ मटन। आप इसकी हड्डी पकड़ेंगे, पूरा गोश्त हाथ में आ जाएगा आपका। क्या बात, ये इसकी क्वालिटी होती है मंदी की। अगर मंदी की वैरायटी पूछेंगे तो मंदी में वैरायटीज में तो ज़्यादा है, लेकिन बेसिकली लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मटन मंदी। मटन मंडी ज़्यादा पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, एलबी के नीचे है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे इंटीरियर बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो अरेबियन स्टाइल होता है नीचे बैठ के जमीन पे बैठ के खाने का, वो यहाँ पे चलन यहाँ पे दिखाया है। क्योंकि कल्चर नवाबों का है थोड़ा सा, तो उसी हिसाब से आरामगाह बनाया गया है कि लोग आए ताकि रिलैक्स होकर खाना खा सके, एंजॉय कर सके, एक रॉयल फीलिंग ले सके, रॉयल फीलिंग आ सके लोगों को। लखनऊ वालों वासियों के लिए तो मैं भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 10 साल तक मुझे प्यार दिया अलबेग के साथ, और मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे अलबेग को आज तक लखनऊ वासियों ने प्यार दिया, रिदान को भी आएँ खाएँ और भाई अपना कॉम्प्लीमेंट्स दें। और ये हमारा दस्तरखान रेडी है, और यहाँ पे भैया दुशान भाई ज़मीन पर लेटने का और ज़मीन पर खाने का अलग ही मज़ा है। ये है आपकी मटन मंदी, और ये है आपकी चिकन मंदी। स्टार्टर में देखिए आपको ले लगवाया हूँ आपका बंजारा टिक्का है, बंजारा टिक्का। ये है चिकन बर्रा जी, और ये आपका है चिकन अंगारा जो कि सर्व करते हैं विद कोल। तो मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे एक चीज की गुजारिश करता हूँ कि इसको बिरयानी से बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा, वरना जफर भाई बहुत गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में नहीं, एक्चुअली ये मंदी जो बनाते हैं, एक्चुअली आप समझना चाहिए लोगों को कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मेहनत का काम है। ये देखिए जो इसका मीट है, ये ऐसे हाथ से ये नोचने पे निकला आ रहा है, और स्टार्ट करते हैं विद वाह। आप सऊदी अरब गए हैं जी? मैं नहीं गया हूँ जी, लेकिन मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि अभी तक मैंने ज़िंदगी में ऐसा मटन नहीं खाया। वाह, अमेजिंग। पहले तो मैं दिखाऊंगा मीट, क्योंकि कितना जूसी और कितना एकदम सॉफ्ट है। वाह, कि जिस इंसान के 2-3 दांत भी हो वो भी खा सकता है, जिसके दांत ना हो तो वो मसूड़ों से खा लेगा, है ना, एकदम सॉफ्ट है। वाह, कि ये मिडिल ईस्ट की है, ये कन्वर्ट होकर चली गई है सारे जगहों पे। अच्छा, बेसिकली ये इजाद वहीं से मिडिल ईस्ट से ही हुई है। तो ये चावल में हमने इसको
ये चावल का फ्लेवर जो है वो एकदम अलग है, उसके अंदर आपको मसाला नहीं मिलने वाला है। जो भी मसाला है आपको इस मंदिर के अंदर मिलेगा, बहुत ही स्पाइसी नहीं है। जिनको ज़्यादा तीखा पसंद है वो ये सब यूज़ करके खा सकते हैं। तो हमने इसके अंदर ये टमाटर की चटनी और ये ग्रेवी डाल दी है। जी जी। उसके ऊपर से फिर से ये मटन लगाइए। मटन मतलब एक हाथ का ही कमाल है ये। और ये देखिए कितना फ्लफी है ये, वाह वाह। जफर भाई चटनी के साथ तो इसका मज़ा ही बदल गया। लेकिन जो अरेबियन डिश होती है वो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, उसके अंदर थोड़ा तीखा कम होता है। अगर आप चाहते हो इंडियन स्टाइल में मंदी को खाना तो इनको बोलना पड़ेगा बिल्कुल कि हमें थोड़ा इंडियन स्टाइल में चाहिए, थोड़ा स्पाइसी चाहिए। दस ग्रेट अमेजिंग यार, मुझे तो मज़ा आ गया खाने में। लखनऊ की जनता को बोलूँगा एक बार यहाँ पे आएँ एटलीस्ट, और एक बार मंदी ट्राई करें यहाँ पे। हाँ। ये बहुत प्यार और मेहनत से बनाते हैं हम लोग इस मंदी को, और पूरी टीम हमारी लगी होती है। और नई चीज़ स्टार्ट किया है तो मैं चाहता हूँ कि जैसा प्यार आज तक मुझे लखनऊ की जनता ने दिया है वैसे ही रिदान को भी उतने ही प्यार दें। दोस्तों ये कैसा लगा आपको ये रिदान का स्पेशल मंदी का व्लॉग? मुझे तो बहुत मज़ा आया खाने में, क्योंकि ये कुछ अलग एक्चुअली में मिल रहा है। हालांकि आपने चिकन मटन से अलग अलग डिशेस खाई होंगी, लेकिन जो कुछ स्पेशल खाना चाहते हो ना मटन में, तो आ जाओ चुपचाप रिदान। और यहाँ पे अमीनाबाद में ये गली है, अमीनाबाद की गली है जहाँ पे अलबेग है और टुंडे कबाब भी काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे आप आइए और इसका मज़ा लीजिए। डेफिनेटली मुझे पता है कि इसको खाने में आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। इसको अगर मैं रेट करूँगा तो आज मैं इसको 5 में से 5 रेट करने वाला हूँ। तो मिलते किसी नई चीज़ के साथ नए ब्लॉग में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल अमामिया। ओके बाय।